Good morning, students. Here I am Urmil Sharma, your math teacher. Today we discuss about your second term and fifth class second term, your percentage. The chapter is percentage. Okay. In a percentage, we know about that the percentage is a part of 100. नॉर्मली अगर हम लोग कहें किसी को भी अगर समझाना हो तो हम लोग ये कहेंगे कि किसी भी चीज़ की जो परसेंटेज है वो 100th आइटम का एक पार्ट है. 100 का पार्ट जो है वो है परसेंटेज. ठीक है, आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन दे रखी है, द परसेंटेज इज सिंपली अ फ्रैक्शन विद 100 एज अ डिनोमिनेटर. मीन अगर हमारे पास एक पूरा 100 नंबर्स दे रखे हैं, 100 चीज़ें दे रखी हैं, उनमें से कितने पार्ट्स हमारे पास हैं, दैट इज नोन एज द परसेंटेज. तो अगर नॉर्मली हम लोग कहें किसी को समझाना हो कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज क्या है, तो हम लोग उस चीज के लिए कहेंगे कि परसेंटेज इज द पार्ट ऑफ 100, हाउ मच पार्ट ऑफ द 100, या सिंपली हम लोग कहेंगे आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100. तो जो भी चीज़ हमारे पास आउट ऑफ 100 आती है हम लोग उसको कहते हैं परसेंटेज. जो सिंबॉलिक फॉर्म है परसेंटेज की, मतलब सिंबल जो हम लोग यूज़ करते हैं, सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं परसेंटेज एज इट इज. इस तरह से हम लोग लिखते हैं आपके जो सिंबल है, ठीक है, उसको हम लोग लिखते हैं परसेंटेज. इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं. अब माना आप लोगों के पास दे रखा है कि 100 में से कितने पार्ट है, माना आपके पास कोई नंबर दे रखा है, आपके पास दिया है 42%. अब 42% का मतलब क्या है, 42% का मतलब है 42 आउट ऑफ 100. जैसे हम लोग कहें आपको कि आपका मैथ का टेस्ट हुआ, आपके मैथ में जो है वो 42 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, तो अगर हम उस चीज़ को परसेंटेज में कहें तो आप बोलोगे कि मेरे नंबर जो है वो मैथ में 100 में से 42 है और उसकी परसेंटेज जो है वो 42% है. ओके, तो इसी तरह से अगर कोई बोले माना आपके पास है 55%, इसका मीनिंग हुआ कि 55 आउट ऑफ 100 मीन्स 100 में से आपके पास कितना पार्ट्स है 100 का, 55 पार्ट्स है. ओके, ये सिंपल सी चीज़ें हमारे पास 100 ए आपके परसेंटेज को लेके थी कि बेसिक सी चीज़ें हमारे पास है परसेंटेज क्या चीज़ है. तो अगर सिंपली कोई कहे आपसे व्हाट यू मीन बाय परसेंटेज, द परसेंटेज मीन हाउ मच पार्ट फ्रॉम द 100. ओके, दैट मीन्स आपका परसेंटेज है. अब हम लोग आपके एक्सरसाइज पे आते हैं. हमारी जो एक्सरसाइज है, आपकी एक्सरसाइज है ऑन द पेज नंबर 75. ओके, एक्सरसाइज फर्स्ट, यहाँ पर हम लोग जो करेंगे आपके वो है कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. द कन्वर्टिंग ऑफ परसेंटेज, मैं यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म ही यूज कर रही हूँ परसेंटेज के लिए. ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है Express each of the following fraction as a question. First आपका है Express each of the following fraction as equivalent fraction of 100 with 100. अब यहां जो सबसे बड़ी समझने वाली चीज है वो ये है कि equivalent fraction क्या चीज होती है. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि equivalent fractions क्या चीज है. तो बच्चे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन हैं जिनके डिनोमिनेटर एक जैसे रहते हैं. माना आप लोगों के पास दो फ्रैक्शंस हैं, एक आपके पास लिखा है 4/9, एक आपके पास लिखा है 14/9. बोथ ऑफ द फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर 9 and 9, दैट मीन 4/9 and 14/9 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन.
ओके, तो ये दोनों जो है वो आपस में कैसी फ्रैक्शन है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अब हम लोगों को जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनानी है उनका जो डिनोमिनेटर है वो 100 होना चाहिए। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, ए पार्ट है 3/5, और उसको कन्वर्ट करना है हम लोगों ने एज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 100 के साथ एज अ डिनोमिनेटर। तो हम लोग देखेंगे कि 5 के टेबल में जो है वो 100 कहाँ पर आता है, कौन सा डिजिट पे। तो आपके पास जो आपका 5 है इसे हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, 5 के टेबल में 100 कहाँ पे आता है, 20 पे, 25 is 100। तो हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ। हम लोग मल्टीप्लाई एज बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यूज कर सकते हैं। ये आपके पास मल्टीप्लाई करके बनेगा 60/100। ओके, नाउ 60/ में क्या आ गया, 100। पहले 3/5 था, जो आपका डिनोमिनेटर था वो क्या था, 5। नाउ उस 5 का हम लोगों ने क्या बना लिया, 100। दैट मीन 100 जब हम लोगों ने कन्वर्ट करा तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई 100 के लिए। इसी तरह से एक और पार्ट है आपका डी पार्ट, ठीक है। नाउ द डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, डी पार्ट है 7/20। ओके, द डी पार्ट 7/20। अब नाउ वी कन्वर्ट 20 into 100। तो हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी 5 के साथ और नीचे भी 5 के साथ। आपके पास बनेगा 7/5 is 35 एंड 25 is 100। अगेन 7/20 इज अ नॉर्मल फ्रैक्शन एंड इस फ्रैक्शन को हम लोगों ने कन्वर्ट करा टू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 100 एज अ डिनोमिनेटर। तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन। अवर सेकेंड क्वेश्चन इज, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज, मतलब जो भी चीज़ें हमारे पास दे रखी हैं उनको हम लोग कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज के बीच में। अभी हम लोग जो है वो कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज का किसके लिए, हम लोग करेंगे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है। आपके पास कोई ना कोई फ्रैक्शन दे रखी होगी, उस फ्रैक्शन को हम लोगों ने चेंज करना है परसेंटेज के बीच में। आपके पास सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका और उसका ए पार्ट है, ठीक है। द ए पार्ट इज 1/10। अब इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों ने, सिंपली इसको कन्वर्ट करना है किसके बीच में, परसेंटेज के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ओके, व्हेन वी कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज देन वी ओनली मल्टीप्लाई विद द 100। नाउ 0 and 0, दिस वन इज कैंसल, देन वी हैव 10 एंड इट बिकम 10%। ओके, नाउ अगेन इसका एक और पार्ट देखते हैं आपका, द सेकेंड पार्ट आपके पास है एंड द सेकेंड पार्ट इज बी पार्ट। द बी पार्ट इज 9/ बी पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन इज 9/20। ओके, नाउ वी कन्वर्ट 9/20 इनटू परसेंटेज। नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को 9/20, वी जस्ट मल्टीप्लाई विद 100। ओके, नाउ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 ones are 2 and 2 fives are 10। नाउ वी हैव ओनली द 9 into 5, हियर द 9 and 5 एंड द परसेंटेज इज 45। और साथ में परसेंटेज लगाना नहीं भूलना है क्योंकि हम लोग इस चीज़ को कन्वर्ट करें किसमें, परसेंटेज के बीच में, ठीक है। इसी तरह से आपका एफ पार्ट है। देखो जैसे हमारे क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी उतना ही होता जाएगा। बी के बाद मैं आप लोगों को करवा रही हूँ इसका एफ पार्ट। जो एफ पार्ट है इसके बीच में मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है आपकी, 1 as a whole number, 5/6, ठीक है। इस तरह की जो फ्रैक्शंस हैं वो हमारे पास आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बीच में एक होल पार्ट और साथ में आपकी एक प्रॉपर फ्रैक्शन आती है, ठीक है। कोई आपसे पूछे ना मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कम्बिनेशन ऑफ द होल पार्ट एंड विद द
प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, नाउ पहले तो इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों ने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में. सिक्स वन जा सिक्स एंड फाइव प्लस हो जाएंगे, इट बिकम 11 अपॉन 6. नाउ वी कन्वर्ट 11 अपॉन 6 इन टू द प्रॉपर फ्रैक्शन, देन सॉरी इन परसेंटेज, देन 11 अपॉन 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ. ओके, कैंसिल कर दो. 3 टू जा 6, 2 फाइव जा 10 एंड 0. ओके, एंड वी हैव 5 5 0, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 11 5 55, 0 एज इट इज आ जाएगा. और नीचे आपके पास 3. अब इस चीज को, इस क्वेश्चन को हम लोग इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, तब भी एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, क्योंकि यहां भी इसकी वैल्यू परसेंटेज में ही आ रही है आपकी. और इसके आगे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने करना है तो हम लोग इसको डिवाइड करके पूरी फ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, ये आप लोगों का एक्सरसाइज फर्स्ट और उसके फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकेंड क्वेश्चन है. इसके जितने भी पार्ट आप लोगों के बचते हैं वो आप लोगों ने खुद से ट्राई करने हैं. ओके,